अदानी 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 अदानी, ये 8 बिलियन डॉलर से 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI एंड अदर PSU बैंक होल्डर्स, मनी इज गोइंग टू मिस्टर अदानी एंड टू फाइनेंस। एक नाम सब जगह हमें सुनने को, ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। यह नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये 8 बिलियन डॉलर से 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा
कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए बताइए। तो वो आप बता देना। सो द रिलेशनशिप बिगिंस मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people, okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat, expansion of his businesses. I think then the real magic starts. Jab Pradhan Mantri Ji Delhi aate hain, aur 2014 mein asli jadu shuru hota hai. मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे, मैं आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है,
अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मेरा मानना ये। तो अपन एक विषय पर ओके, तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज प्लीज, ओके बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया रूल बदला गया रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए, करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए, आप बदला गया सर, बिकॉज सर बैठे तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। आप बताइए कहां से शुरू करें? बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी
और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है, 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई एंड अदर पीएसयू बैंक होल्डर्स मनी इज गोइंग टू मिस्टर अदानी एंड टू फाइनेंस। नाउ ऑफ कोर्स देयर इज अनदर क्वेश्चन, तो मदद कैसे हो रही है? हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ईडी सीबीआई एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, आंध्रा सॉरी। मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमन कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे, उन्होंने मेरे भाषण को इनकैप्सुलेट किया मेरे लिए बहुत अच्छी तरह। आपने जो मैं सोच रहा था, आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अदानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू।